तो आप अपने एक्शन को भेजो, जो इस डिवीजन का जो एक्शन है वो तो नहीं कहा चंडीगढ़, वो भी चला गया, उसको भेजो, वो बात सुनेगा, इनको संतुष्ट करके देगा। अधिकारी अभी देवेंद्र कादियान जी आ रहे हैं, वो बोले बोले मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, मिलकर बातचीत करेंगे, अगर ना कोई समाधान होया तुम तो पार हाउस बंद करेंगे आज। कोई नेता नहीं आने वाला था भाई, तो गांव वाले सारे बटले होकर आ रहे थे, नेता ने किने क्या से भाई, इब तो जमींदार ने क्या से, नेता ने तो वोटा के टाइम क्या से होगी जब आओगा। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप पानीपत गोहाना रोड पावर हाउस से देख पा रहे हैं, जहां किसानों में काफ़ी नाराज़गी ज़रूर नज़र आ रही है, और तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे हैं, और काफ़ी रोष इन किसानों में नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से बताया जा रहा है कि लाइट की समस्या आ रही है, और जो धान की फसल है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है, और आज अधिकारियों से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि किसानों का ये कहना है कि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार किसान जो है वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, बावजूद उसके कोई भी समाधान होता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो किसान हैं वो आज अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ अधिकारियों से बातचीत होती है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले भी अधिकारियों से मिल चुके हैं, आश्वासन अधिकारियों की ओर से किसानों को दिया गया है कि आज समाधान किया जाएगा। मेरे तो इनका समाधान बताओ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ आपके दफ्तर में, ना ना ये जो करने लग रहे उसमें संतुष्ट नहीं है, उससे तो लोड जो है हो रहा नहीं हो। चलो आप अपने एक्शन को भेजो, जो इस डिवीजन का जो एक्शन है वो तो नहीं कहा चंडीगढ़, वो भी चला गया, उसको भेजो, वो बात सुनेगा, इनको संतुष्ट करके देगा। हाँ हाँ भेजो आप, तो मैं यही बैठा हूँ, इन्हें फल से लेकर ये पूरा पैच जो है समझवा दीवाना तक चला है, वहाँ करीबन 100 के आसपास ट्रांसफार्मर, ठीक है, पिछले साल भी इसी तरीके से परेशान थे सारे, परेशान होने की वजह से सारे गांव वाले ये चाचा ताऊ भाई सारे आए, मेरे SDO साहब से मलिक से बोला कि वहाँ भाई इनका समाधान, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, हम जो है इनका लोड डिवाइड कर देते हैं और हम इसको दीवाना फीडर पर लगा, एक हफ्ते के लिए हमारी लाइट बंद हो जाएगी, खंबे कटेंगे, एक हफ्ते पहले ये खंबे नहीं कटते हैं, इतना हम क्या करेंगे, एक हफ्ता तो ये बोल दिया लाइट ना, 10 दिन हो गए पूरी जाया और 10 दिन ही बैठते हैं, खंबे नहीं कटते हैं, ये भी इतना क्या करेंगे हम, करेंगे बंद करेंगे, देखो बिजली बंद करेंगे, समय निकलना लग रहा, कुछ रह रहे तो वो समय निकलना लग रहा, जो लग रहे हैं सूखे गए हैं, बारिश भी कम है तुम्हारे, कहीं इसी के भरोसे है और कुछ मारे पल्ला है नहीं। अब आप अंदर मिलने के लिए क्या बोले, वो तो एक लाइन कह दिया भाई तुम्हारी लाइन अलग कर देंगे, तो अलग कर देगा कब करेंगे, इतने तो हमारे गए, ये बात है जी, लाइट का समाधान तो होना चाहिए ना, जो लग रही है पैसा लिया है किसान, पैसा उठाकर अपनी फसल तैयार करता है और अब फसल का समय निकला जा रहा है, बिजली नहीं आ रही है, दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें तो आ रही है सर, लेकिन फिर क्या करा, हमारी मजबूरी, रात को भी आए थे हम 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यहाँ थे, हम मेरे को बोलता कोई बात नहीं समाधान हो जाएगा तुम्हारा, 10 मिनट लाइट चला सारी, एक हफ्ता हो गया बिजली आया। हाँ तो आज मिले हो, क्या कह रहे हैं अधिकारी, अधिकारी अभी देवेंद्र कादियान जी आ रहे हैं, वो बोले बोले मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, मिलकर बातचीत करेंगे, अगर ना कोई समाधान होया तो हम तो पावर हाउस बंद करेंगे आज। हाँ जी आज ही। हाँ जी, तो काफी रोष किसानों में जरूर नजर आ रहा है। देखिए तमाम लोगों से अपील कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, पानीपत के गोहाना रोड पावर हाउस से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैं जगदीश नांगलखेड़ी से पावर हाउस में आए थे बिजली की परेशानी के लिए, हमारी HPCO लाइन नहीं चली थी बिल्कुल, एक हफ्ते से परेशान थे हम, ये लाइन चाहते हैं डबल फेस में चले, दो हिस्सों में चले, HC साहब ने हमारी बात मान ली है, उसका मौका देखा जा रहा है और शायद हमारी परेशानी का समाधान करेंगे, अभी तो इतना ही। परेशानी क्या रही थी? परेशानी एक हफ्ते से लाइट नहीं मिल रही थी हमारे को, जीरी बिल्कुल खत्म होने का जा रही थी, परेशान होने के बाद हम यहाँ आए थे, अपनी परेशानी हमने रखी थी, इसका ही बाकी क्या हल निकलता है, जो अच्छा हल निकलेगा तो ठीक है, अच्छा हल नहीं निकलेगा तो हम फिर बताएंगे पब्लिक महकमे को और सबको, हम इसको करवा के ही छोड़ेंगे, लगातार चक्कर काट रहे, कल भी लगातार एक हफ्ते से चक्कर काट रहे हैं, एक हफ्ते में आज सुनाई हुई है। अच्छा,
हाँ एक हफ्ते में सी साहब के पास धान के समय में तो दिक्कत आ रही है, धान में ही पानी चाहिए और पानी नहीं मिल रहा, लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से मिलेगा। हाँ साहब अभी चल रहे हैं, चलो हमने 5 मिनट का टाइम दिया सर, वहाँ पहुँचना जरूरी है। और हम क्या क्या दिक्कत आ रही है जी, क्या दिक्कत आ रही है? लाइट की दिक्कत आ रही है सर। अच्छा जी, ये 3 दिन हो गए, एक हफ्ता लिया सर, इसलिए लाइट की दिक्कत कर रहे हैं। 1 घंटा दे रहे हैं काफी, कदे रात को 2 घंटे दे रहे हैं, लाइट का ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई लाइनमैन प्रवीण लाइनमैन है, कदे किसी से गलीज देता, कदे कोई किसी से वो करता है बदतमीजी, उसकी जगह कुलदीप लाइनमैन को चेंज किया जाए। अच्छा, ये समस्या अब कुछ हुआ है? ये आज रात को आज का आश्वासन दिया है, लगता कुछ होगा, लगातार चक्कर तो काट रहे हो? चक्कर काट रहे भाई, तो आश्वासन दिया है, आश्वासन ना पूरा दो, कल ताला लगाओगे यहाँ पूरे बटड़े होगा ना, कल ताला लगाओगे यहाँ जब तो समाधान होगा। इससे पहले तो कोई सुनाई नहीं कर रहा, अपना फोन कर फोन बंद करते पड़े रहे तो अपना न तो जिम्मेदार की समस्या होगा, कोई बेरा नहीं क्या हो रहा है वहाँ, लोगों की होगी जीरी लग नहीं रही, लग रही है जिस की वो बाढ़ेंगी वार पे है वो नष्ट करनी पड़ेगी, पानी भी ना दो तो इन कार्रवाई कर दी तो आज ठीक है से हम लोग नहीं कल को ताला लगाओगे आने का ना। कोई नेता आपके बीच में आने वाला था? नहीं कोई नेता नहीं आने वाला था भाई, तो गाँव वाले सारे बटड़े होते आ रहे थे, नेता ने किने क्या से भाई पे, ये तो जमींदार ने क्या से, नेता ने तो वोटा के टाइम क्या से होगी जब आओगा नु कौन नेता होता भाई। ठीक है, लाइट देने का आश्वासन दिया है भाई, शाम ना 8 घंटे लाइट साइड चलाऊंगे, 8 घंटे साइड। 20 किले तो खराब हो चुके हैं और आगे 8-10 किले तो लगने रह रहे हैं मेरे, बाकी तो सारा गांव पड़ा है सही, ना तो किसी के लग रहे हैं ना जो पहले लग रहे हैं उनमें पानी आ रहा है। पिछले 8 दिन से 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट लाइट चल रही है, जिसमें कि हमको 8 घंटे लाइट अलाट है, लेकिन 8 घंटे तो दूर की बात है, 2 घंटे भी पूरे नहीं हो रहे। कल रात को पूरी रात इनके साथ घूमे, परसों इनके साथ घूम रहे थे, पिछले 1 हफ्ते से इनके आगे पीछे घूम रहे लाइनमैनों के जेई के, कोई समाधान नहीं निकल रहा भाई। सुन क्यों नहीं रहे अधिकारी भाई? लाइन ज़्यादा लंबी है, दूसरे फीडर पे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फीडर वाले मना कर देते हैं, अधिकारियों के पास आते हैं, इनको जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो नहीं है, अधिकारियों को ग्राउंड रिपोर्ट कोई देता ही नहीं है। रात को आते हैं तो रात को एक बार चला दी, 10 मिनट चल गई, 10 मिनट जब तक खेत में जाते हैं लाइट भाग जाती है, रात को मान ले 2 बजे बंदा गया खेत में लाइट भाग गई, क्या करेगा, घर जाके सोएगा या वापस पावर हाउस आएगा? तो आज क्या हुआ आज? आज भाई आश्वासन दिया है कि हम पोल लेके जा रहे हैं, लाइन अलग करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। कुछ चक्कर आप रोज काट रहे हो, कुछ हल होगा भाई? फिलहाल तक तो कुछ लग नहीं रहा, बाकी देखो आज नहीं होता तो कल फिर आओगे? बिल्कुल आएंगे भाई, अब बच्चों की तरफ लगाया है पेड़ को, खराब थोड़ी करी जाएगी, और खराब होगी तो भाई ये मान के चलो 20,000 रुपए का एकड़ के हिसाब से नुकसान है, कहाँ से देंगे? अड़तिया तो पीछे ठहरे हैं यार, ही कर्जदार है आ रहा ही यार, पूछो ना बस, मरन हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। पानीपत के गोहाना रोड पावर हाउस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आज गाँव सिवाह के और आसपास के जो गाँव के जो किसान हैं वो पहुँचे थे, लाइट की काफ़ी दिक्कतें किसानों को आ रही है, धान का समय है और ऐसे में अब दिन रात जहाँ लाइट की दिक्कतें इन्हें आ रही है तो वहीं पावर हाउस के चक्कर लगातार किसान काटते नज़र आ रहे हैं। और इनकी अब साफ तौर पर चेतावनी है कि आज जो है अधिकारियों की ओर से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि लाइट का जो भी समाधान है वो कर दिया जाएगा, यदि आज फिर ऐसा होता है तो कल जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, ताला लगाने का काम ये किसान कर सकते हैं, क्योंकि किसानों में लगातार लाइट न आने के कारण जो विभाग है बिजली विभाग के प्रति रोष है, लगातार अधिकारियों के यहाँ चक्कर किसान काट रहे हैं, बावजूद उसके भी कोई भी हल होता नज़र नहीं आ रहा। और आज फिर जो ज़िले के गांव सिवाह के किसान हैं वो यहां पर पहुंचे थे, आसपास के जो गांव हैं वहां के किसान यहां पर पहुंचे थे, इनका कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से लाइट इनके जो है परेशान कर रही है और लाइट न आने के कारण धान की जो फसल है वो भी काफ़ी प्रभावित हो रही है। अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जो जरूर दें, उस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि किसान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं।